अल हिजाजियों से मैं हूं आकाश न्यासी। गुजरात का सीवरेज का मसला हल करने के लिए एक अरसा दराज से कोशिशें जारी हैं और ये कोशिशें 2022 में भी जारी हैं। ये मनाजर आप देख सकते हैं, हमारे कैमरा आपको दिखाएंगे। ये मनाजर हैं गुजरात के इलाका जेल चौक के करीब, उस्मान प्लाजा के करीब। यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन 5-6 साल गुजर गए हैं कि सीवरेज का मसला हल करने के लिए यहाँ पर काम जारी है। और ये ऐसा काम है कि रुकना, काम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। योजना की बुनियाद पर जो है काम होता है, मगर इसके बावजूद ये काम खत्म नहीं हो रहा। बताया गया है कि ये 60 करोड़ का तकरीबन मंसूबा था कि यहाँ पर गुजरात जेल चौक से लेकर बोले पुल तक पहले एक साइड पर पाइप बिछाए गए थे बहुत बड़े बड़े, मगर इसके बावजूद जब बारिशें हुई तो यहाँ पर बारिशी पानी जो है उसी तरह खड़ा हुआ नजर आया। और अब तब्दीली सरकार के दौर में भी दूसरी साइड जो थी सड़क की, वहाँ पर भी पाइप बिछाए जा रहे हैं और ये पाइप बिछाने का सिलसिला इसी तरह जारी है। अब ये जेल चौक के गिरदोनवा की जो सड़कें थी वहाँ पर भी पाइप बिछाए जा रहे हैं। और अब ये मंसूबा मालूम हुआ है कि तकरीबन 1 अरब तक पहुँच चुका है। इस हिस्सा में अहले इलाका का कहना है कि इतने पैसे खर्च करने के बावजूद गुजरात का सीवरेज का मसला जो है ये क्यों हल नहीं हो रहा। यकीनन इसका नोटिस जो है अल्लाह काम को लेना चाहिए, वजीर आजम को लेना चाहिए और जिस कंपनी को ये ठेका दिया गया है, ताकि ये कंपनी जल्द से जल्द इस मंसूबा को मुकम्मल करे और गुजरात का जो सीवरेज का मसला है खास तौर पर जेल चौक, कचहरी चौक और गिरदोनवा के इलाकों का, इसे हल किया जा सके। हिजाज न्यूज से मैं हूँ आकाश सिंह।